हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 8 का जो चैप्टर 4 है इंग्लिश का, वो पढ़ाने जा रही हूँ। उसका पार्ट 3 है। 3 और 4th में एक ही वीडियो में डालूँगी। 1st 2nd मैंने एक वीडियो में डाल दिया है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ स्टोरी को कि जब विपिन बाबू को कुछ भी नहीं पता लगा, जब उसने देखा परिमल घोष उन्हें घूर रहे हैं और वो उन्हें नहीं जानते हैं, वो वहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं और रांची ट्रिप के बारे में बात होती है, तो वो बताते हैं कि रांची ट्रिप तो कभी गए ही नहीं। यही सब कुछ इसी उलझन में चल रहे हैं हमारे विपिन बाबू की, और उन्हें लगता है कि वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे भूल गए हैं। तो यही उलझन उनकी चल रही है, उसी की स्टोरी को हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं, आफ्टर लंच टाइम के बाद में विपिन बाबू रियलाइज उन्हें महसूस करते दैट ही कुडंट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क। वो उनकी डेस्क पर अब लंबे समय तक ज़्यादा नहीं बैठ सकते एंड वर्किंग काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हुआ इन द 25 ईयर्स, इन 25 वर्षों में कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ही हैड बीन विद द फर्म्स, और वैसी फर्म में ही हैड अ रेपुटेशन, और उनके पास एक प्रसिद्धि भी है, रेपुटेशन है फॉर बींग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर। एक टायरलेस कॉन्शियस वर्कर के रूप में उनकी छवि है कि वो थकते नहीं हैं, हमेशा कर्तव्यनिष्ठ वर्कर के रूप में। बट टूडे हिज हेड वॉज इन वर्ल्ड, पर अभी आज उनका सिर चकरा रहा था। बेक होम एट 2:30 और लगभग 2:30 बजे घर पर वापसी करते हैं विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, और विपिन बाबू बेड पर लेट जाते हैं एंड ट्राई टूगेदर हिज विट्स टूगेदर, और वापस से अपनी याद को इकट्ठा करते हैं। ही न्यू, वह जानते हैं दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजुरी, कि यह संभव है किसी भी व्यक्ति की याददाश्त का खोना किसी चोट के कारण। इन द हेड, अगर हेड पर कोई चोट लग जाती है तो उससे उनकी याददाश्त चली जाती है, ऐसा संभव है। बट ही डिडंट नो, पर उन्हें नहीं पता ऑफ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवंस रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि उन्हें एक भी ऐसा सिंगल उदाहरण पता नहीं है कि किसी की याददाश्त हो गई हो, उसे सब कुछ याद हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, विशेष घटना, खास घटना ही किसी के दिमाग से आउट हो जाए। एंड अ फेयरली रिसेंट, और अभी हाल ही में, एनी सिग्निफिकेंट वन एट दैट। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, और वह चाहते थे हमेशा से ही रांची जाना। टू हैव गोन देयर्स, वहाँ जाना, डन थिंग्स, चीज़ें करना, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज टू हैव गोन देयर, वहाँ जाना और वहाँ चीज़ें करना, एंड नॉट टू रिमेंबर और याद नहीं आना, वो समथिंग अटली इम्पॉसिबल, और ये तो बहुत ही असंभव था कि हाल ही में कोई इंसान वहाँ गया हो और वो चीज़ को भूल गए हों विपिन बाबू। यहाँ वर्ड मीनिंग देख लें, कॉन्शियस का मतलब है केयरफुल एंड करेक्ट, बहुत ही सावधान सचेत होना। हेड वॉज इन वर्ल्ड का मतलब है कन्फ्यूज होना, संदेह की स्थिति में, अनेबल टू थिंक क्लियरली, अच्छे से सोचने में असमर्थ होना। गेदर हिज विट टुगेदर, मेक एन एफर्ट टू बिकम काम, शांत होने का प्रयास करना, थिंक क्लियरली, अच्छे से किसी चीज़ को सोचना। अब देखिए, यहाँ पर उन्हें बहुत अजीब सा फील हो रहा है और वो लग रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त का एक हिस्सा भूल जाए। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट के, लगभग 7:30 बजे विपिन बाबू का सर्वेंट आया एंड अनाउंस, उन्होंने कहा चुन्नी बाबू सर से इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, कि चुन्नी लाल कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, विपिन बाबू न्यू जानते थे वोट चुन्नी लाल हैड कम फॉर, कि चुन्नी लाल किस लिए आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके स्कूल का साथी था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम, उसका भी ख़राब समय चल रहा था लेटली हाल ही में, एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम, और उससे मिलने आया करता था अबाउट अ जॉब के लिए। विपिन बाबू न्यू जानते थे इट वॉज इम्पॉसिबल या असंभव टू डू एनी थिंग्स फॉर हिम, कि उसके लिए कुछ भी करना असंभव है। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, और वो ऐसा बता भी चुके हैं उसे। बट चुन्नी लाल केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी, और जो चुन्नी लाल है वह तो एक खोटे सिक्के की तरह आता ही रहता है। विपिन बाबू सेंट वर्ड, उन्होंने कहलवा भेजा दैट नॉट ओनली वॉज
इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, कि उनके लिए संभव नहीं कि चुन्नी लाल से अभी मिले, बट नॉट इन सेवरल वीक, यहाँ तक कि कई सप्ताह तक भी उनसे मिलने के लिए संभव नहीं है, बट एज सुन एज, पर जैसे ही दस एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, सर्वेंट ने कदम बाहर रखा आउट द रूम से, इट इज स्ट्रक, ऐसा विचार आया विपिन बाबू के माइंड में दैट चुन्नी लाल माइट रिमेंबर सम थिंग्स अबाउट द 58 ट्रिप, कि हो सकता है शायद चुन्नी लाल को याद हो 58 की ट्रिप के बारे में, यात्रा के बारे में. देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और कोई नुकसान भी नहीं है उनसे पूछने का. विपिन बाबू हरिड डाउन, जल्दी से गए नीचे द सीढ़ियों से एंड इन टू द लिविंग रूम में जाते हैं बैठक में. चुन्नी लाल वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल जाने ही वाला था. यहाँ से थोड़े से वर्ड मीनिंग देख रहे थे स्टूडेंट. Having a rough time का मतलब है having a lot of problems, बहुत सारी समस्याओं का आना. Turning up like a bad penny का मतलब है appearing at a place where one is not welcome, किसी ऐसी जगह पर आना जहाँ पर उसका स्वागत नहीं है, मतलब उसे चाह नहीं गया हो कि वो आए और फिर भी कोई व्यक्ति वहाँ आ जाए. बट विपिन बाबू हरिड डाउन स्टेयर एंड इन टू द लिविंग रूम, चुन्नी लाल वॉज अबाउट टू लीव, जाने ही वाला था, बट सीइंग विपिन बाबू को देखकर अपीयर, विपिन बाबू को वहाँ देखकर ही टर्न राउंड होपफुली, और वह पीछे आशा के साथ मुड़ता है. विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, मतलब विपिन बाबू ने इधर की बातें नहीं की, कम टू द पॉइंट, सीधे वो पॉइंट पर आए. डिडंट बीट अबाउट द बुश का मतलब है कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे सीधे मुद्दे पर आना. और फोन का मतलब है नाउ एंड तब, यदा कदा आता ही रहता था बीच बीच में. थ्रो योर माइंड बैक, अपनी याददाश्त को पीछे ले जाना. थिंक्स बैक एंड रिकॉल अ पास्ट, पुरानी बातों को याद करना. लिसन चुन्नी आई वांट टू आस्क यू समथिंग, चुन्नी सुनो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी अच्छी याददाश्त है. एंड यू हैव बीन सीइंग मी, और तुम मुझे देखते हो, मिलते रहते हो. ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से तुम बीच बीच में मुझसे मिलते ही रहते हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपने दिमाग को पीछे ले जाओ, मतलब याद करो. एंड टेल मी, मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं रांची में 58 को गया था. चुन्नी लाल सेड, चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, हो सकता है ये 58 हो या फिर हो सकता है ये 59 हो, इस तरह से बोलते हैं. यू आर श्योर, तुम्हें पक्का विश्वास है. दैट आई डिड गो टू रांची, कि मैं रांची गया था. चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनफिक्स्ड अनमिक्स्ड विथ वरी, चुन्नी का जो देखने का जो तरीका था ऑफ अमेजमेंट बहुत आश्चर्यजनक था, आश्चर्य से उसे देखता है. एंड अनमिक्स्ड विथ वरी, और उसमें ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चिंता का भाव ना हो, मतलब वो उन्होंने इस तरह से देखा कि ऐसा लगा कि वो भी चिंतित हैं. डी यू मीन, तुम्हारा मतलब है हैव डाउट अबाउट हैविंग गोन एट राज होल, क्या कि यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गोन एट होल, कि तुम सब कुछ भूल गए हो क्या. डिड आई गो, क्या मैं गया था. डू यू रिमेम्बर, क्लियरली क्या तुम्हें पक्के से याद है कि मैं रांची गया था. चुन्नी सेट डाउन ऑन सोफा पर बैठ जाता है, फिक्स्ड विपिन बाबू विद लॉन्ग, और विपिन बाबू पर को देखता है हार्ड स्टेयर, टक टक की लगाकर घूटता है. सेट कहता है विपिन हैव यू टेकन अ ड्रग और समथिंग, क्या तुमने कोई नशीली दवाइयाँ लिया है कुछ और. एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ. यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा एक साफ सुथरा रिकॉर्ड है. वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, और जहाँ तक चीज़ों की बातें हैं, वर कंसर्न चिंता की बातें थी. आई नो, मैं जानता हूँ. दैट ओल्ड फ्रेंडशिप शिप डोंट मीन मच टू यू, कि पुरानी जो मित्रता आपके लिए कोई मायने नहीं रखती. बट एट लीस्ट, बट अंततः यू हैड अ गुड मेमोरी, पर वास्तव में तुम्हारी तुम याददाश्त तो बहुत अच्छी है. यू कांट रियली मीन्स, तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता. दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो, ऐसा तुम्हारा मतलब नहीं हो सकता. विपिन, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर, जो उनकी इनक्रेडुलस स्टेयर थी, टकटकी थी, उससे बचने के लिए वो मुड़ गए हैं.
डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, कि मेरा अंतिम जो काम था वो क्या था, आस्क चुन्नी लाल ने पूछा। ऑफकोर्स वास्तव में यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी, तुमने एक ट्रेवल एजेंसी में, यात्रा एजेंसी में काम किया था। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें याद है, एंड यू डोंट रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है, दैट इट वॉज आई, कि मैं ही वह था वो फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, जिसने रांची के लिए तुम्हारा एक रेलवे टिकट बुक किया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ, और मैं तुम्हें वहाँ पर सी ऑफ, तुम्हें विदा करने गया था। वन ऑफ द फैन, एक जो पंखा था इन योर कंपार्टमेंट में वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रिशियंस, और मैं एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आया था टू फिक्स इट, इसे लगवाने के लिए। हैव यू, सही करवाने के लिए, मतलब हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब बातें भूल चुके हो। वॉट एवर इज द मैटर विद यू, क्या बात है तुम्हारे साथ, क्या हुआ है। यू डोंट लुक टू वेल, तुम अच्छे भी नहीं दिखते हो। यू नो, तुम जानते हो। विपिन बाबू साइड, उसने हाँ भरी एंड शुड बी सेड, और अपना सिर हिलाया। आई यू बीन वर्किंग टू हार्ड, हो सकता है मैंने बहुत वर्क कर लिया है। ही सेड एट लास्ट, अंत में उसने कहा, देट मस्ट बी द रीज़न, और ये कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, और तुम्हें निश्चित रूप से एक अच्छे से स्पेशलिस्ट से सलाह, मुझे सलाह लेनी चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। डाउटलेस, निसंदेह, इट वॉज विपिन कंडीशन, जो विपिन की कंडीशन थी, विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अचो, कि चुन्नीलाल, विपिन बाबू की जो कंडीशन थी, उसने विपिन बाबू को, जो चुन्नीलाल था, उसको बिना अपनी जॉब के बारे में कुछ भी मेंशन किए वहाँ से जाना पड़ा। उसने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए, तो चला गया। उसने अपनी जॉब की कोई बात नहीं की। परेश चंदा, जो कि एक डॉक्टर है, वो एज अ यंग फिजिशियन है, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आई, जिनकी सुंदर चमकीली आँखें एंड शार्प तीखी नोज है, ही बिकेम थॉटफुल, वो भी विचारग्रस्त हो जाते हैं, चिंतामग्न हो जाते हैं। वेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, जब वो विपिन बाबू के सिम्टम के बारे में हर्ड सुनते हैं, लुक डॉक्टर चंदा, देखो, सेड विपिन बाबू, कहते हैं डेस्परेटली, निराशा के साथ में, यू मस्ट क्योर मी, तुम्हें मुझे निश्चित रूप से ठीक करना चाहिए ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी से मेरा इलाज करना चाहिए। आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता, हाउ इट इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, किसने मेरा काम किस तरह से अफेक्ट किया, प्रभावित कर रखा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, अपना सिर हिलाया। यू नो, आप जानते हैं, वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, आप जानते हैं क्या मिस्टर चौधरी, आई नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने इस तरह के केस के साथ कभी कोई काम नहीं किया जब जैसा तुम्हारा केस है, इस तरह का कोई केस मेरे पास पहले नहीं है। फ्रेंकली, अगर स्पष्ट रूप से बोलूँ, दिस इज़ द क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल परे है, मेरे व्यवसाय से बिल्कुल अलग है। बट आई हैव वन सजेशन, पर मैं एक सलाह देता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ इट विल वर्क, कि ये काम करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, पर इसे ये एक प्रयास के योग्य है। इट कैन डू नो हार्म, और इसके करने से कोई नुकसान भी नहीं है। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्शियसली, विपिन बाबू आगे की ओर चिंताग्रस्त होकर झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक संभव है मैं कह सकता हूँ, डॉक्टर चंदा, आई एम थिंग्स, मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और आपके भी ऐसे ही विचार हैं। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें रांची जाना चाहिए था, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, पर कुछ विशेष कारणों से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, पर तुम्हारे दिमाग से वो सारा का सारा ही जो एपिसोड था वो स्लिप आउट हो गया है। वॉट आई सजेस्ट इज दैट, जो कुछ मैं तुम्हें सलाह देता हूँ है, यू गो टू रांची वंस अगेन, आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस, उस स्थान के जो दृश्य मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, हो सकता है वो आपको याद दिला दें आपकी ट्रिप के बारे में। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव है, मोर देन देट आई कैन डू एट द मोमेंट, इस क्षण जो मैं कर सकता हूँ उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्वटोनिक, और मैं आपको एक नर्वटोनिक दे रहा हूँ, ट्रैंक्यूलाइजर एक दवा का नाम। स्लीपिंग इज असेंशियल, नींद बहुत ही आवश्यक है।
ऑफ द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस. जैसे सिम्टम्स आपके दिख रहे हैं उसके आगे आपको सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा वो कह रहे हैं. नींद के है ना, आपको अच्छे से सोना चाहिए. विपिन बाबू कह रहा है मैं शक्तिवर्धक स्नायुवर्धक दवाई आपको दे रहा हूँ, आप इन्हें लें. आप कुछ अनजान कारणों से आपके दिमाग का कोई भाग निकल चुका है. आपको ने एक बार रांची जाए वहाँ के दृश्य को देखे, शायद आपको ये यात्रा याद आ जाए. इस तरह से डॉक्टर चंदा उनको एडवाइस करते हैं और दवा देते हैं. विपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. विपिन बाबू को अगली सुबह कुछ अच्छा लगता है. आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रिंग अप हिज ऑफिस. उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया, गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट. और एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया उन्होंने फॉर रांची के लिए फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम के लिए उन्होंने एक टिकट प्राप्त कर लिया. इस तरह से हमारा पार्ट थर्ड हुआ. वो पार्ट फोर की ओर डील करते हैं. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह रांची पर ट्रेन से उतरते वक्त ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया एट वंस तुरंत ही दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वह पहले से पहले वहाँ नहीं गए थे. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन से बाहर आए, टूक अ टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और उस टाउन में इधर उधर थोड़ी देर के लिए घूमे. ही रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ दैट द स्ट्रीट्स बिल्डिंग्स होटल्स बाजार द मोराबादी हिल्स ये सब कुछ क्या है विद नन ऑफ दिज, इनमें से कुछ भी नहीं है नहीं द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, कि वो थोड़ा सा भी इनसे परिचित नहीं था. वहाँ की रोड गली है होटल बाजार मोराबादी हिल्स है. वुड अ ट्रिप टू हुद्रु फॉल्स हेल्प, क्या हुद्रु फॉल की अगर वह यात्रा करें वहाँ तक पहुँचे तो वो उसकी मदद करें. ही डिडंट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं था सो इसलिए. ही एट द सेम टाइम, उसी समय ही डिडंट विश, उनकी इच्छा नहीं हुई टू लीव विद द कार, कि वो विद द फीलिंग्स दैट ही हैड डंट ट्राइड एनफ, कि वो उसने पर्याप्त कोशिश नहीं की और वो वहाँ से चला गया. ऐसी इच्छा के साथ उसने जगह छोड़ने की इच्छा नहीं की. ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही डिडंट ट्राइड एनफ सो ही अरेंज फॉर अ कार, इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की एंड लेफ्ट फॉर हुद्रु फॉर इन द आफ्टरनून, और उसी आफ्टरनून को उन्होंने हुद्रु फॉल के लिए रवाना हो गए. 5 o'clock 5 बजे द सेम आफ्टरनून, उसी आफ्टरनून में इन हुद्रु में टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो कि पिकनिकर्स के ग्रुप में से ही थे, डिस्क पर उन्होंने देखा विपिन बाबू को लेइंग अनकॉन्शियस अचेत अवस्था में पड़े हुए बिसाइड अ बोल्डर एक बड़े से शिलाखंड के पास में. वेन ही केम राउंड, जब उन्हें चेत आया द फर्स्ट थिंग्स, सबसे पहली चीज़ थी या बात थी विपिन बाबू से उनका वॉज आई एम फिनिश, वो थी कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ. देर इज नो होप लेफ्ट, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. कलकत्ता वापस आ गए. ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया देर देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, वास्तव में सच तो यह है कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है. सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा. ही विल टू वर्क, हिज विल टू वर्क, काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस उनका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड उनके दिमाग का संतुलन. वॉज ही गोइंग टू एंड अप, क्या वो अब खत्म हो जाएंगे. इन द अजाइलम एक्ट, क्या वो पागलखाने में मानसिक चिकित्सालय में खत्म हो जाएंगे. विपिन बाबू कुडंट थिंक्स एनी मोर, विपिन बाबू ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे. बैक होम घर वापस आते ही रैंक, अब उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया इन आइसक्रीम और उनसे कहा टू कम ओवर आने के लिए. देन आफ्टर ए शावर, और एक शावर के बाद में फुहारा स्नान के बाद ही गोट इन टू द बेड, बेड पर चले गए विद एन आइस बैग के साथ क्लेम्प ऑन हिज हेड, जिसको उन्होंने अपने सिर पर लगाया. जस्ट देन तभी द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, एक सर्वेंट जो उनका सर्वेंट था उनके लिए लेटर लेकर आया. विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसे कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था, अ ग्रीनिश एनवेलप हरे रंग का लिफाफा था विद हिज नेम, जिस पर उनका नाम था इन रेड इंक ऑन इट, जिस पर लाल शाही से उनका नाम लिखा हुआ था. आपको उनकी इंक वगैरह का ध्यान रखना है, किस कौन से कलर का लिफाफा था, कौन सी इंक से विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था. अबव द नेम, नेम के ऊपर इट सेड लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, अत्यावश्यक और गोपनीय है. इन स्पाइट ऑफ हिज
कंडीशन, अपनी स्थिति के बावजूद भी विपिन बाबू हैड अ फीलिंग, उनके अंदर भावना थी दैट ही ओट टू गो थ्रू कि उन्हें पढ़ना चाहिए लेटर को। ही टोर ओपन, उन्होंने फाड़ कर उसे खोला, द एनवेलप को लिफाफे का, टुक आउट द लेटर को निकाला, दिस इज वॉट जो कुछ था ही रीड, उसने जो कुछ पढ़ा वो था, डियर विपिन डियर विपिन आई हैड नो आइडिया, मुझे ऐसा विचार नहीं था, मुझे ऐसा नहीं पता था दैट अफ्लुएंस समृद्धि वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज, इस तरह का परिवर्तन ला देगी इन यू आप में दैट इट हैज़ डन, जैसा कि इसने किया है। वॉज इट सो डिफिकल्ट, क्या इतना मुश्किल था फॉर यू आपके लिए टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने मित्र की मदद करना, डाउन ऑन लक इज लक, जिनका बुरा समय चल रहा है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे संसाधन भी सीमित है, वॉट आई हैव जो कुछ मेरे पास है इज इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति है, अ पार्ट ऑफ विच जिसका एक भाग आई यूज इन रेट्रीब्यूशन, जिसको मैंने अपराध की सजा देने के लिए किया है, ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे असंवेदनशील व्यवहार के अपराध की सजा देने के लिए मैंने उसका यूज़ किया है, अपनी कल्पना शक्ति का। वेल खैर कोई बात नहीं, यू विल बी ऑल राइट, आप शीघ्र ठीक हो जाएंगे, अगेन नाउ, अब आई अ नोवल आई रिटर्न्स, जो मैंने एक नोवल लिखा है उपन्यास, इज बींग कंसिडर, वो ले लिया गया है बाई ए पब्लिशर के द्वारा, एक प्रकाशक के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है। इफ़ ही लाइक इट एनफ, यदि वो उसे पर्याप्त पसंद करता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और ये कुछ महीने, अगले कुछ महीनों तक मेरे लिए अच्छा होगा, मतलब इससे मेरा गुजारा चल जाएगा, मेरी सहायता करेगा। डॉक्टर चंदा केम, वेन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए विपिन बाबू से, विपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, इट ऑल केम बैक, सब कुछ वापस आ गया एज सुन एज, जैसे ही आई गोट ऑफ, जब मैं उतरा ट्रेन से रांची पर, ए यूनिक केस, एक अद्वितीय अनोखा केस है, सेड डॉक्टर चंदा कहते हैं, आई शेल सर्टेनली राइट अबाउट इट, मैं निश्चित रूप से इसके बारे में लिखूँगा, इट इन द मेडिकल जर्नल में लिखूँगा, द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, जो कारण है जिसके लिए मैंने आपको बुलाकर भेजा है, सेठ विपिन बाबू ने कहा, इज देट वही है, आई हैव अ पेन इन द हिप, मेरे हिप मर, हिप जो पुट्टे हैं, हिप है, जानते हो ना कमर के नीचे का हिस्सा, उसमें दर्द है फ्रॉम अ फॉल, एक गिरने के कारण से, आई हैड इन रांची, रांची में चोट लगी थी उनको गिरने की वजह से, इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप एक दर्द निवारक जो दवा है वह प्रेस्क्राइब यानी कि लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखी गई जो आपने कहानी पढ़ी है, ये बहुत ही प्यारी कहानी है, इसमें चुन्नीलाल और जो हमारे विपिन बाबू हैं उनकी स्टोरी है, किस तरह से चुन्नीलाल अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके विपिन बाबू को, जो कि असंवेदनशील व्यक्ति होते हैं और उन्हें पैसे का घमंड होता है, किस तरह से वो उन्हें सबक सिखाते हैं कि एक ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वंस अगेन।